नमस्कार बच्चों, आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ। सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा होता है, दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो इसका भी जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका दो शून्य निकलेगा, दो इसका हल निकलेगा। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले समझिए कि गुणनखंड की कुछ विधि हम बताने जाते हैं, गुणनखंड आखिर हम लोग करते कैसे हैं। हालांकि 8वां क्लास और 9th क्लास में, 9th क्लास में गुणनखंड के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको थोड़ा हम गुणनखंड को बताएंगे, उसके बारे में समझिए। आपको चार कैटेगरी का गुणनखंड मिलेगा। देखिए यहां पर हमने लिखे हैं, चार कैटेगरी का गुणनखंड आपको बनाने को मिलेगा। एक आएगा कि केवल प्लस होगा, इसमें देखिए केवल धनात्मक है, केवल प्लस है। एक आएगा कि यहां प्लस रहेगा और यहां माइनस रहेगा, और यहां तो हमेशा प्लस रहेगा, यहां हमेशा प्लस मान के चलिए। अगर माइनस आएगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा, यहां हमेशा प्लस मान के चलिए। एक रहेगा कि यहां माइनस रहेगा और एक प्लस रहेगा, और एक रहेगा यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस रहेगा। ये चार कैटेगरी ध्यान से देख लीजिए। इसमें ये दो कैटेगरी है जिसमें बीच वाले को जोड़ना है, बीच वाले को जोड़ना है। तो कैसे इसको याद कीजिएगा, अगर यहां दोनों प्लस है तो बीच वाले को जोड़ के लाना है, और यहां दोनों अगर माइनस है तो बीच वाले को घटा के लाना है। अगर यहां माइनस रहेगा तो घटा के लाना है, अगर यहां प्लस रहेगा तो जोड़ के लाना है, अगर यहां प्लस रहेगा तो जोड़ के लाना है। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस आठ का हमको गुणनखंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस आठ का। तो इसका नियम है कि प्रथम पद और अंतिम पद को पहले गुणा कर लेंगे, तो आठ एकम आठ हो गया। अब बीच को हमको जोड़ के छ लाना है, और गुणा करने पर आठ आना चाहिए, जोड़ने पर छ आना चाहिए और गुणा करने पर आठ आना चाहिए। क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है प्लस है, गुणनखंड का नियम बता रहे हैं आपको। तो अब इसको कैसे हम जो तोड़ेंगे, इसके लिए हम आठ का गुणनखंड कर देंगे, दो चौका आठ और दो दुना चार। जब इसको लिखेंगे तो दो गुना दो आएगा, दो गुना दो गुना दो। अब इसको दो भागों में डिवाइड करके, डिवाइड करेंगे और देखेंगे जोड़ने पर छ आना चाहिए, गुणनफल करने पर आठ आना चाहिए। तो दो भागों में एक भाग इसको मान लेते हैं चार, एक भाग दो मान लेते हैं। तो चार दो छ, चार दूना आठ हो गया, यानी ये चार और दो में टूट जाएगा। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस टू एक्स प्लस आठ, दोनों प्लस रखेंगे। अब एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस चार, इसमें प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस चार, एक्स प्लस चार हम लोग निकाल लेंगे, एक्स प्लस चार निकल गया। इधर क्या बचेगा, इधर एक्स बचेगा और इधर प्लस टू बचेगा, यही आपका गुणनखंड हो गया, ये प्लस वाला गुणनखंड हुआ। अब थोड़ा हम आपको बताते हैं दूसरा कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसको भी जोड़ने पर आएगा, लेकिन अंतर इतना है कि दोनों जोड़ेंगे तो दोनों का चिन्ह माइनस होगा, क्योंकि माइनस के चिन्ह देकर जोड़ लाना है। तो इसको भी जैसे तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस बारह, तो बारह का उसी तरह बारह का गुणनखंड कर लेंगे, चूंकि बारह कम बारह, दो छक्के बारह और दो तिहाई छ, तो दो गुना तीन आएगा। इसको भी दो भागों में डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पर आठ हो जाए और गुना करने पर बारह। तो अगर ये दो भाग हम लेते हैं तो दो दुना चार, तो चार और तीन सातें होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये दो भाग एक जगह ले लेंगे, दो तिहाई छ, ये दो होगा, तो छ छ व दो आठ, छः दुना बारह, यानी ये छः दो में टूट जाएगा, इसका गुणनखंड निकालेंगे। और यहाँ आप समझिए, यह घटाने पर आएगा, देखिए यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये घटाने पर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस छत्तीस, तो छत्तीस एकम छत्तीस, यानी इसको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि घटाने पर पाँच आए और गुना करने पर छत्तीस, तो छत्तीस का ही गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। अठारह फिर दो से दोनों अठारह और तीन तिरका नौ, यानी हो जाएगा दो गुना तीन गुना तीन। अब इसको दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, दो भागों में अपना मन से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए ये तीनों हम ले लेते हैं एक जगह, तो दो तीन छः, छः तिरका अठारह, अठारह में से दो गया तो पाँच आएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, दो भाग एक जगह ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, दो दुना चार हो जाएगा और तीन तिरका नौ हो जाएगा, नौ में से चार गया पाँच और नौ चौका छत्तीस, यानी ये नौ और चार में टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर नौ एक्स चार एक्स और माइनस छत्तीस। अब कहिएगा यहाँ चिन्ह हम नहीं दिए हैं, चिन्ह यहाँ से हम देखेंगे, जैसे यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला का प्लस देंगे और छोटा वाला का माइनस देंगे, नौ में से चार गया पाँच और नौ चौका छत्तीस, इस तरह टूट गया। अब ये आपको हम गुणनखंड बताए हैं, अब यहाँ पर थोड़ा आइए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस है, यानी जब यहाँ माइनस होगा इसका मतलब घटाने पर आपको लाना है, घटाने पर दो आना चाहिए और गुना करने पर आठ एकम आठ आना चाहिए,
आठ का गुणनखंड कर देंगे, तो आठ का गुणनखंड करेंगे तो होगा दो गुना दो गुना दो। आठ का गुणनखंड क्या होगा, दो गुना दो गुना दो होगा, दो गुना दो गुना होगा, तो ये दो गुना चार, चार एक जगह कर लीजिए, दो एक जगह कर लीजिए, चार में से दो गया दो और चार दुना आठ, यानी चार और दो में टूट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस टू एक्स और माइनस आठ। अब कहिएगा यहाँ माइनस चार एक्स इसलिए करेंगे कि माइनस चार में से प्लस टू गया तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। ध्यान रहे जो बड़ा वाला रहेगा यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो बड़ा वाला कराएगा और ठीक उसका विपरीत छोटा वाला कराएगा तोड़ते समय, यानी घटाने पर आपका मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लड़का गलती करता है यहाँ प्लस कर देता है यहाँ माइनस कर देता है, उसको माइनस प्लस समझ में नहीं आता है, लेकिन ध्यान रहिए यहाँ घटाने पर यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह होना चाहिए। जैसे माइनस चार में प्लस टू एक्स करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा, इसको तोड़ दिए। अब इसमें ये दोनों में कॉमन पहले लेंगे हम लोग, ये दोनों दोनों में, तो ये दोनों में कॉमन क्या है देखिए, तो एक्स है इधर, एक्स है इधर, एक्स है, एक्स ले लेंगे, इसमें एक दो एक्स है, एक्स इसमें बच जाएगा, इसमें बच जाएगा चार बच जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ दो है, दो के पारा में आठ आ जाएगा, तो दो कॉमन ले लेंगे, इसमें हो जाएगा एक्स माइनस दो चौका आठ, इधर चार हो गया, यानी एक्स माइनस चार दोनों में तो निकल जाएगा, एक्स माइनस चार कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर एक्स बच जाएगा, इधर प्लस टू बच जाएगा, चूंकि इसका शून्य ज्ञात करना है तो दोनों को शून्य के बराबर कर देंगे, यानी x माइनस चार इंटू एक्स प्लस टू बराबर हो जाएगा जीरो के। तो कोई भी दो संख्या का गुणनफल शून्य कब होता है, जब x शून्य हो, यानी x माइनस फोर या तो जीरो के बराबर है या x प्लस टू जीरो के बराबर है, यानी x बराबर हो जाएगा फोर और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस टू, इसलिए x बराबर हो जाएगा चार कॉमा माइनस टू, ये इसके दो शून्य का आपको निकल गए, ये दो शून्य का आपको निकल गया, और इसको यही आपका आंसर हो गया। अब इसको शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच, इसको जांच करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, द्विघात समीकरण में जो होता है शून्यकों का योग पहले लिखेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्य को एक अल्फा मानते हैं एक बीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो अल्फा की जगह पर देखिए क्या है चार है, तो यहां चार लिखेंगे, प्लस बीटा की जगह पर क्या है माइनस दो है, तो माइनस दो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, चार रहेगा प्लस माइनस माइनस दो हो जाएगा, चार में से दो गया दो गया, ये शून्यकों का योग आ गया। तो शून्यकों का योग जो होता है आप लोगों को सूत्र बताया गया होगा माइनस बी बटा ए, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो इसको ऐसे लाना है, देखिए इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी माना जाता है, तो ऐसा करेंगे कि माइनस बी बटा ए आ जाए, तो माइनस बी बटा ए लाने के लिए क्या, ऊपर माइनस दो होना चाहिए नीचे एक होना चाहिए, माइनस बी की जगह पर क्या होगा माइनस दो है, ए की जगह पर एक है, ए बी सी, तो इसको हम अपना मन से करेंगे, दो को हम लिख सकते हैं माइनस माइनस दो, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, एंड इसके इसके नीचे वन कर देंगे, इसके नीचे क्या कर देंगे वन कर देंगे, यानी माइनस दो क्या है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, या आप ऐसा ही लिख दीजिए माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो माइनस बी बटा ए होता है, इसका जाँच हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा क्या है चार है और बीटा क्या है माइनस दो है, तो हो जाएगा इधर देखिए चार दुना माइनस आठ हो गया, तो अल्फा प्लस गुना बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए, सी बटा ए, तो यहां पर ए बी और सी, सी की जगह पर माइनस आठ है, तो ये माइनस आठ है, तो इसमें कुछ फेर बदल नहीं करेंगे, इसके नीचे बटा एक कर देंगे, यानी माइनस आठ हो जाएगा सी, और एक की जगह पर देखिए यहां पर ए की जगह पर एक है, यहाँ ए हो गया, यही आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का सत्यता का जांच हो गया। अगर माइनस बी बटा ए आप नहीं लिखना चाहते हैं तो बी के जगह पर आप लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, और ए के जगह पर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिख सकते हैं अचर पद और यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, वैसे भी किताब पाठ्य पुस्तक में आपका बी टी बी सी के पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन ये सूत्र भी लिख कर आप इसको जाँच कर सकते हैं। इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच होगी। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड की जानकारी होनी चाहिए, जो पहले मैंने गुणनखंड बनाया है उस पर ध्यान दीजिएगा, अगले वीडियो में फिर मैं गुणनखंड के बारे में समझाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में डालिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सवाल को हल करके डालूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।